पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने से लोगों में भारी आक्रोश। हजारों की तादाद में लोगों ने तिलहर थाने का किया घेराव। भीड़ की आक्रामकता देख पुलिस के हाथ पांव फूले। कई थानों की पुलिस बुलाई गई। चार अधिवक्ताओं की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ FIR दर्ज कर किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बता दें कि शाहजहांपुर जिले की तहसील तिलहर अंतर्गत दबौरा गांव निवासी एक समुदाय विशेष के युवक ने दो दिन पहले सोशल मीडिया पर इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शान में अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिससे लोग काफी आक्रोशित हो गए। मंगलवार की रात हजारों की भीड़ इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए थाना तिलहर पहुंची और आरोपी युवक को गिरफ्तार करने की मांग की जाने लगी। हजारों की भीड़ को देख पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और कई थानों की पुलिस बुलानी पड़ी। कोतवाली प्रभारी राजकुमार शर्मा और पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रियांक जैन ने हंगामा कर रहे लोगों को आश्वस्त किया कि युवक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हंगामा कर रहे लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए और लगातार नारेबाजी करते हुए कोतवाली के बाहर डटे रहे। इसके बाद पुलिस ने चार अधिवक्ताओं की तहरीर पर आरोपी युवक वरुण धवन के खिलाफ FIR दर्ज कर रात को ही उसे गिरफ्तार कर लिया। हंगामा बढ़ता देख कोतवाली प्रभारी राजकुमार शर्मा ने लोगों को शांत कराने के लिए नगर के मुस्लिम समाज के कुछ संभ्रांत लोगों को बुला लिया। चेयरमैन पति इमरान खान ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कानून पर भरोसा रखने की अपील की। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रियांक जैन ने आक्रोशित भीड़ को आश्वस्त किया कि आरोपी पर NSA और बुलडोजर कार्रवाई भी की जाएगी, जिस पर आक्रोशित भीड़ शांत होकर वापस लौट गई। बुधवार को आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल अब क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है। वहीं बुधवार को पुलिस अधीक्षक S. आनंद व अपर जिलाधिकारी त्रिभुवन सिंह ने क्षेत्र का दौरा कर समाज के संभ्रांत लोगों से वार्ता की और भाईचारा कायम रखने की अपील करते हुए किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहने को कहा। जितनी धार लग सकती 295 और जो भी धार लगती सब धार उसमें लग चुकी है, वो कम से कम महीना भर जेल में रहेगा। जब भी कोई मुकदमा दर्ज होता है तो वो छोटी धाराओं में दर्ज होता है, जिसमें व्यक्ति जेल चला जाता है। उसके बाद दो तीन चार दिन बाद उस पर NSA कार्रवाई की जाती है कि उसने सांप्रदायिक स्वाद बिगाड़ कैसे दिया। उस पर उसको एक साल के लिए भेजा जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो कार्रवाइयां होती है, बुलडोजर चलना है या उसके ऊपर आजीवन कारावास होना है, ये सब चीजें कोर्ट द्वारा निर्धारित होती है। लेकिन हमने अपना सारा काम कर दिया है, जो आप लोग चाहते हैं वो सारा काम होगा। मैं आप विश्वास दिलाता हूँ, जो आपने चीजें धीमे धीमे करके आगे बढ़ती है, आप समझिए अभी ये क्या घटना हुई थी तो उस पर भी NSA वगैरह लगा, सारी कार्रवाइयां होंगी, बुलडोजर भी चलेगा। लेकिन एक समय होता है हर चीज का, एकदम से चुटकियों में कुछ नहीं हो सकता। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, मैंने कल आपके गोलने के 10 मिनट के अंदर व्यक्ति गिरफ्तार था और आज मैंने सुबह ही सुबह उसे जेल भिजवा दिया। लेकिन आप लोग कतई कोई शोर नहीं करेंगे। एक सूचना प्राप्त हुई थी, थाने पहुंच लोग आए और उन्होंने ये बताया कि साहब एक व्यक्ति है जिसने फेसबुक पे कहीं किसी पोस्ट को शेयर किया है जो आपत्तिजनक है, जिससे एक समुदाय विशेष की भावनाएं आहत हुई। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए CO तिलहर और इंस्पेक्टर तिलहर द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई।
जिसके द्वारा ये पोस्ट डाला गया वो अरेस्ट कर लिया गया संगत धाराओं के अंतर्गत। आज प्रातःकाल कुछ लोगों के द्वारा, रात में यहाँ पर्याप्त पुलिस व्यवस्था भी की गई ताकि इसमें कोई फॉलआउट किसान ना हो, लोगों को समझा बुझा दिया गया, लोग मुतमइन भी होते हैं। सुबह कुछ लोगों के द्वारा एक भीड़ इकट्ठा करके और इसका विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास किया गया। तत्काल ही तमाम थानों की फोर्सेस आ गई और वरिष्ठ अधिकारी से भी मौके पर आ गए। सी ओ तिलहर द्वारा बहुत ही पतमली से कार्य करते हुए और इस इशू को टैकल किया गया और कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इन सबको समझा बुझाकर डिस्पर्स कर दिया गया है, सभी लोग मौके पर आ गए और बता दिया गया कि जो पंजीकृत किया गया था उस पर कार्रवाई होगी। और कुछ लोगों को एक गलतफहमी थी कि शायद उसमें पर्याप्त कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसको बता दिया गया और उसके बाद लोग उसमें मुतमइन होकर अपने अपने घरों में चले गए।